सिवान शहर के एक निजी होटल में पंतजलि योगपीठ हरिद्वार के तत्वावधान में सिवान समिति के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में रोग भगाए योग पर जोर दिया गया है। आने वाले समय में बड़े बड़े बीमारी का इलाज योग से ही होगा और कैसे करेंगे इसका इलाज, इसकी ट्रेनिंग कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा। इसकी तिथि तय होगी और फिर सिवान में इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। योग के माध्यम से बड़ी बड़ी बीमारी का कैसे मुक्ति पाएं, इस सभी के बारे में बताया जाएगा। एक बैठक का आयोजन किया गया, योग कक्षा लगाया गया और 365 दिन लोगों को योग कराया जाएगा, इस पर भी जोर दिया गया। तो सुनिए, योग के भरोसे आदमी कैसे स्वस्थ रह सकता है। आजकल की जो जनरेशन है खाली मोबाइलों में लगी रहती है, तो मोबाइल थोड़ा छोड़ के कीमती समय निकाल के अपने लिए समय निकालें, योग करें, क्योंकि योग से आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। आप स्वस्थ रहेंगे तो आप सबको खुश रख सकेंगे। और उन्होंने विचार रखा तो इनका जो भी समस्या है योग के बारे में, सब योग कैसे आए नहीं, तो भैया हमारे ज्ञान के प्रकाशा भैया पहुंचे हैं, आप सुनिएगा तो कहिएगा, हम तो बहुत सुने हुए हैं। और आज जो पतंजलि द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया है, करो योग रहे निरोग, और बाहर से आए हुए सभी पदाधिकारी गण और लोकल के पदाधिकारी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। हम खास करके अंगद महाराज जी का भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं कि जो हिम्मत हुई है, जिसका आत्मविश्वास जिंदा था और जो योग करने वाले यूनिटी पावर जो बनाए रखे थे, सिर्फ बहुत ज्यादा से ज्यादा बचे हैं। और मैं तहे दिल से आप जैसे लोगों को शुक्रिया और सलाम करना चाहता हूँ कि जो आप लोग समाज में संदेश देना चाहते हैं। जो कार्यक्रम है वो पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के तत्वावधान में सिवान हमारी जो समिति है, जिला समिति, उसका ये कार्यक्रम है। और अपना ये जो मुख्य उद्देश्य है कि रोग भगाए योग, यानी आने वाले दिनों में हम एक बड़ी चुनौती के रूप में बड़े बड़े रोगों का निदान हम योग से करेंगे, और कैसे करेंगे उसकी ट्रेनिंग हम अपने कार्यकर्ताओं को यहाँ देने के लिए एक तिथि तय करने आए हैं, उसकी प्रारूप तय करने हम लोग आए हैं कि वो कैसे तकनीकी तौर पर योग माइग्रेन, मेंजाइटिक्स, ये कैंसर, डायबिटीज़, हाई बीपी, हाइपोटेंशन, इनसे हम कैसे मुक्ति पाएँ। इसी संदर्भ में आज ये सिवान में यहाँ पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के तत्वावधान में भारत स्वाभिमान, पतंजलि योग समिति, युवा भारत का ये कार्यक्रम चल रहा है। सर, देखा जाता है कि योग जब आता है तो बड़ी संख्या में योग कराया जाता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो संख्या तो वो कम हो जाती है, तो उसके जा रहा है। इसके लिए हम लोग दैनिक योग कक्षा पर बल दे रहे हैं, जिसमें हमारे जो योग शिक्षक हैं वो पार्कों में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, जहाँ भी स्थान मिल सकता है वहाँ बैठकर और सजगता के साथ अगल बगल के लोगों को संवेदना के साथ जोड़ते हुए वो योग कक्षा लगाएं और लगा रहे हैं, ताकि हम 365 दिन योग का लाभ दे सकें। एक तरफ देखा जाए सर, हिंदुस्तान से योग निकलकर कई देशों में पहुंच चुका है, लेकिन अभी भी ग्राउंड स्तर पे योग नहीं हो पा रहा है। मैं ये बात को ज़्यादा मैं आपके साथ सहमत नहीं हूँ कि लोग ग्राउंड स्तर पे इसको नहीं कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है कोरोना के पहले थोड़ा योग का इतना प्रचार प्रसार नहीं था, लेकिन कोरोना काल के बाद लोगों ने महसूस किया है कि हम अगर सुरक्षित रह सकते हैं तो हम दवाओं के भरोसे सुरक्षित नहीं रह सकते हैं, हम योग के भरोसे, हम आयुर्वेद के भरोसे, हम तुलसी के भरोसे, हम गिलोय के भरोसे, हम अश्वगंधा के भरोसे हम स्वस्थ रह सकते हैं।